दोस्तों सेल करते समय हमें डिस्काउंट देना होती है यानी कस्टमर बार बार डिस्काउंट पूछता है इधर डिस्काउंट डिस्काउंट दे दे दो दे दो उधर तो हमने अलग अलग टाइप का डिस्काउंट कर सकता है मैं आपको दिखा दे रहा फॉर आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया तो आपको बाई डिफॉल्ट इधर देखो चालीस रुपया है इसका प्राइस आपने टू काट कर दे रहा हूं आपको सेल कर दे रहा हूँ ये देखिए आपको यह मैंने आपको थोड़ा सा सूम करके दिखा रहा हूँ देखो इधर देखो कोई डिस्काउंट वगैरह जीरो है इधर कोई डिस्काउंट अभी आया नहीं इधर भी देखो यू सेवन वगैरह जो है सीरो है ये या आपको यानी प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम आपने कोई डिस्काउंट नहीं डाला लेकिन आपको सेल करने के टाइम डिस्काउंट डालना होती है तो कैसे कर सकता है देखो दिखा दे रहा हूँ मैंने सही प्रोडक्ट में आपको दोबारा सेलेक्ट कर दे रहा हूँ करें आपको इधर देखो डिस्काउंट का देखो परसेंटेज में भी डाल सकता है ये अमाउंट में डाल सकता है तो फॉर एक्साम्पल फिलहाल के लिए मैं आपको एक अमाउंट में अमाउंट सेलेक्ट करके उसमें डाल रहा हूँ पाँच डिस्काउंट डालना है तो ऐड करिए और आपने कैश बिल कर कर दीजिए और ये मार दीजिए आपको इधर दिखाई देती है देखिए इधर देखो यू सेवड यानी आपने सेव कर दिया मतलब ये आ गया हुआ देखो डिस्काउंट आया हुआ है इधर देखिए डिस्काउंट अमाउंट और ये देखो डिस्काउंट यहाँ पे भी, भी आया हुआ है तो इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से डिस्काउंट मैनेज कर सकता है और सेम प्रोडक्ट आपको परसेंटेज में भी कर सकता है परसेंटेज डिस्काउंट फॉर आपको ये यानी परसेंटेज कर दिया मैंने एक फिफ्टीन परसेंटेज दे दिया ठीक है जी फिफ्टीन परसेंटेज एड कर दिया